यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही हर जैन परिवार का एक संविधान होना चाहिए, क्योंकि जब तक युवकों में पात्रता खड़ी नहीं होगी, तब तक उनको चाहे हम जितना भी धक्का दें, जितना भी खींचे, चाहे हम उनके साथ कुछ भी कर लें, वो ना तो धर्म से जुड़ेंगे, ना वो पूजा करेंगे और ना ही वो कोई क्रिया करेंगे। इसलिए हमें युवकों में पात्रता खड़ी करनी चाहिए। देश हमारे देश भारत का संविधान है, जिसका हम लोग पालन उल्लास, सरलता और अनुशासन से करते हैं। ऐसा ही हमें अपने परिवार का भी एक संविधान बनाना चाहिए और उसका भी पालन करना चाहिए। इसके आधार से मैं कुछ मुख्य बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहला, मोबाइल को आराम दो। खाते वक्त मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। बाथरूम का उपयोग करते वक्त मोबाइल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और परिवार के साथ जब आप रहते हैं, तब मोबाइल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, मन की बात, नो सीक्रेट्स इन फैमिली। सप्ताह में एक बार अपने पूरे परिवार के साथ बैठना चाहिए और उनके साथ अपने पूरी मन की बात बता देनी चाहिए। इधर कोई भी एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए और कोई भी सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। तीसरा, हैप्पी ईटिंग, पेट को खुश रखो। खाते वक्त टीवी और गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सप्ताह में एक बार, कम से कम एक बार रसोई घर रात को बंद रहना चाहिए। सप्ताह में एक बार आप अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाना चाहिए। चौथा, ड्रेस लाइक अ किंग, मस्त दिखो। फैशन के नाम पर फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। चित्र और शब्द वाले कपड़े कम से कम पहनने चाहिए और अपशब्द वाले कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। जब आप तीन कपड़े निकाले या डिस्पोज करें, तब जाकर एक नया कपड़ा खरीदना चाहिए। पांचवा और आखिरी, गिल्ट फ्री, लिव फियरलेस। निर्धारित समय पर आपको घर आना चाहिए और सोना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने परिवार के कोई सदस्यों को पूछकर या बोलकर जाना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग संविधान बनाए अपने घर पे और उसका पालन करें, तो युवकों में सरलता आ जाएगी और सरलता ही धर्म है। इसलिए उनमें इस सरलता के स्वाभाविकता के साथ उनमें धर्म की वृद्धि होगी। जब युवकों में सरलता आएगी, तब जिनशासन में ऐसी धारा बहेगी जो जिसमें जिनशासन का एक नया ही परिवर्तन हो जाएगा। मैं मेरा नहीं हूँ, मैं मेरे जिनशासन का हूँ। इसी नारे